यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। The acceleration of a particle is zero as measured from an inertial frame of reference. Can we conclude that no force acts on the particle? Yes. अगर तुम inertial frame से देख रहे हो, मतलब तुम्हारी frame, inertial frame का मतलब है तुम्हारी frame का acceleration zero है, और अगर कोई particle तुम्हें दिख रहा है जिसका acceleration zero है, तो भाई न्यूटन के सेकंड लॉ से, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ, याद रखना न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं होते। उनको एप्लीकेबल करने के लिए सूडो फोर्स लगाया जाता है ना, ठीक है। हाँ, तो कैन बी कंक्लूड दैट नो फोर्स एक्ट्स? यस वी कैन, है ना। न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, आराम से लिखो इसको। नेट फोर्स क्या होता है तुम्हारा? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो है, पर नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, ये गलत है। कैन बी कंक्लूड दैट नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल? नो वी कैन नॉट। हो सकता है पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हो, एक एफ फोर्स राइट में लग रहा है, एक एफ फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, तो इस पे फोर्स लग रहा है पर इस पे नेट फोर्स जीरो। हम ये बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो है, हम ये नहीं बोल सकते कि फोर्स ही नहीं लग रहा है। अरे इस पेन को मैं अगर दोनों तरफ से 10 न्यूटन से खींचूं, फोर्स तो इस पे लग रहे हैं ना, पर वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, नेट फोर्स जीरो है ना। तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कोई फोर्स नहीं लग रहा? नहीं, ये कंक्लूड नहीं कर सकते। हो सकता है फोर्स लग रहे हो पर वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे, नेट फोर्स जीरो होगा, हम बस इतना कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कह सकते।